नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी और आप देख रहे हैं आज प्रकाश टीवी। इस वक्त एक बहुत ही बड़ा मुद्दा उठ के सामने आता है कि आने वाली जो युवा पीढ़ी है उन्हें बड़े त्योहारों को छोड़ जो छोटे त्योहार हैं उनके बारे में ज्ञात ही नहीं है। कई बार बच्चे बड़ों से पूछते हैं आके कि अहोई क्या होती है, पूर्णिमा क्या होती है, शरद पूर्णिमा क्या होती है। तो बड़ों के पास भी जो मॉडर्न जमाना है उस जमाने के बड़े मेरी पीढ़ी के लोग उन्हें ये तक नहीं पता होता कि क्या होते हैं ये छोटे त्योहार। बड़ी जो त्योहारों की बात करें, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो दशहरा हो, चाहे वो होली हो, इन त्योहारों पर सरकार छुट्टियां देती है, इसीलिए इस त्योहारों को मनाया जाता है और इनके बारे में बच्चों को जानकारी भी है। पर जो छोटे त्योहार हैं उनकी जो इतिहास है आज के समय में विलुप्त होता जा रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम 50 से 90 वर्ष के जो एक प्रतिनिधि हैं हमारे साथ उनसे बात करते हैं। आइए उनके बारे में बताते हुए मैं आपको बताऊं कि वो एक हिंदी पत्रकारिता के बहुत ही जाने पहचाने व्यक्ति हैं। पंजाब हो, हरियाणा हो या चंडीगढ़ हो, वो पत्रकारिता के आधार स्तंभ बताए जाते हैं। नरेश कौशल जी दैनिक ट्रिब्यून के संपादक रह चुके हैं। आइए नरेश कौशल जी से जानते हैं कि क्या कहना रहेगा आपका कि कैसा बदलाव देखने को मिल रहा है जो आपके जमाने में, जब आप जवान जी थे, जी आपके जमाने की जो पत्रकारिता थी जी जी उसमें एक लोकल लोगों की मेंटेलिटी, त्योहारों को जानने की उत्सुकता, त्योहारों को मनाने की उत्सुकता जो बच्चों में दिखाई देती थी और वो अब जी कैसा देख रहे हैं आप? पहले तो धन्यवाद राहुल कि आपने मेरा परिचय दिया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन इसमें मैं सबसे पहले एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो राहुल जी ने कहा 50 और 90 वर्ष, यह एक पीढ़ी है जिस पीढ़ी ने पुराने त्योहारों को भी देखा और अब जो मार्केटिंग हो गई है त्योहारों की उनको भी देख रहे हैं। हम उस पीढ़ी के लोग हैं तो ये इनका कहने का अभिप्राय है। हम इससे पहले के इन त्योहारों का, जो पुराने त्योहार जिनका जिक्र किया, जो लुप्त हो रहे हैं उनका जिक्र करें, इससे पहले आपको ये बता दें कि हिंदुस्तान में जो त्योहार हैं ये प्रकृति से जुड़ी हुई बातें हैं और हमारे जो जीवन, जो जीने की कला है उससे जुड़े हुए हैं और ये ऋतुओं से जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे क्षेत्र की मुख्य ऋतुएं मानी जाती हैं वर्ष के अंदर, जिसमें शरद ऋतु, वसंत ऋतु, हेमंत, ग्रीष्म और शिशिर, वर्षा, तो ये ऋतुओं में बटे हुए इसके हिसाब से त्यौहार मनाए जाते रहे हैं। और जो पुराना त्योहारों का, जैसे राहुल जी ने जिक्र किया है कि उनका क्या महत्व था, क्या मान्यता थी और आज क्या हो रहा है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो दिवाली के आसपास के त्योहारों की, क्योंकि बात चल रही है, वैसे त्यौहार हमारे साल भर चलते रहते हैं, पर्व त्यौहार, और ये सारे किसके साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पंचभूतों के साथ, जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी। इसको बचाने के लिए, इसको संरक्षित करने के लिए आज क्या हो रहा है, आज हमारे पर्यावरण का क्या हो रहा है, पूरी तरह से प्रदूषण फैल रहा है, दिल्ली का क्या हाल है, चंडीगढ़ तक प्रदूषण आ रहा है, और इसका अर्थ जानने के लिए, ये क्यों है, हमें त्योहारों पर नज़र डालनी होगी। ये त्यौहार इसीलिए मनाए जाते थे ताकि पेड़ों की रक्षा हो, हमारी नहरों की, हमारी नदियों की, हमारी धरती की रक्षा हो सके, हमारे पर्यावरण की और आकाश की रक्षा हो सके, ये महत्व था त्योहारों का। तो क्योंकि हमने दिवाली के आसपास की बात करनी है तो हम सबसे पहले कहेंगे शरद पूर्णिमा की बात करेंगे। आप सभी जानते हैं अभी 5-6 रोज पहले शरद पूर्णिमा लोगों ने मनाई है और उसमें क्या खास चीज थी कि खीर बनाते हैं लोग और खुले आकाश में रात को रखते हैं, सुबह चखते हैं। कारण ये मान्यता है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के बहुत नज़दीक होता है उस वक्त, और यह भी मान्यता है कि लक्ष्मी विष्णु जी के साथ गरुड़ पर सवार होकर धरती का चक्कर लगाने आती है और जो स्वर्ग में देवता लोग हैं वो भी उन्हें देखने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। ये मान्यता है कि चंद्रमा से जो अमृत की वर्षा होती है, चंद्रमा उस क्षीर को अमृत पान करते हैं और क्षीर में अमृत
का रस घुल जाता है और सुबह लोग उस रस को चखते हैं। तो ऐसी मान्यता है पहले जो हमारी शरद पूर्णिमा की बात है। ये भी कहा जाता है कि लक्ष्मी का जो जन्म है वो भी इसी दिन माना जाता है। तो इसके साथ हम दूसरे त्योहारों की जैसे बात करें, देखिए हमारे बहुत से त्यौहार हैं जो मिट्टी के साथ जुड़े हुए हैं। मिट्टी के दीयों का सभी जानते हैं उनका महत्व, अब ज़्यादा जानने लगे हैं लोग पर्यावरण को देखते हुए। गरवड़े एक त्यौहार होता है जो मिट्टी के कठोरानुमा बर्तन होते हैं और उसमें चारों तरफ छेद होते हैं, उसमें दिया रखा जाता है और बच्चा लोग जो होते हैं शरद पूर्णिमा के दिन से लेकर, वैसे दिवाली तक चलते हैं गरबड़े, लेकिन अब ये लुप्त होती जा रही है परंपरा। तो बच्चे क्या होते हैं कि उसमें अपने दादा नाना माता पिता या आस पड़ोस के बुजुर्गों के पास जाते हैं और उनसे दक्षिणा पैसे मांगते हैं और वो पैसे डाले जाते हैं किस काम के लिए, वो काम आते हैं दिवाली पे खर्चे के लिए। वैसे हालांकि ये त्यौहार दिवाली से नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन हम लोहड़ी की आपको याद दिला दें कि लड़कियां लड़के पड़ोस में जाते हैं, लोहड़ी मांगते हैं, कई तरह के गीत गाते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि उसकी संक्षिप्त बात हम कर नहीं सकते तो ये संक्षिप्त में ही बताना चाहता हूँ कि वो भी त्यौहार क्या है, लोगों के घरों में जाने का क्या मकसद है, ताकि हमारा समाज जुड़े, ताकि हमारा समाज बच्चों का महत्व समझे और उनमें प्यार की भावना पैदा हो, आदर करने की भावना पैदा हो। इसी तरह एक त्यौहार होता है महामई का पैसा। खास करके ये त्यौहार जो है पटियाला और आसपास के इलाकों में बहुत मनाया जाता था। उसमें क्या होता था, बच्चियां जो हैं वो जाती हैं जाके पैसे, माई पैसा दे ऐसा करती हैं, वो भी जो लोगों के घर जाते हैं तो उनको देवी माना जाता है, उनको वस्त्र तक देते हैं लोग। इस तरह से क्या होता है कि अब तो रिश्तेदारियों में भी बच्चों अपनी बेटियों को बहू बेटियों को बचा के रखने की ज़रूरत होती है। पहले आस पड़ोस के गाँव लोग नहीं, पूरे गांव के लोग लड़की को अपनी बेटी मानते थे और ये त्यौहार इसी बात का एक नमूना है समाज को जोड़े रखने का लिया। मैंने प्रकृति की बात की है, समाज की बात की है और बच्चों के महत्व की बात आपको बताई। इसी तरह से एक त्यौहार होता है धनतेरस, बर्तन खरीदने का त्यौहार और उसके साथ ही ये आभूषण लेने का त्यौहार। इस बार एक खास बात जो सुनने में आ रही है वो ये है कि धनतेरस से पहले जो है रवि पुष्य का योग बन रहा है, कि धनतेरस तो बाद में आएगी, आप पहले भी जो है जो खरीदारी है वो कर सकते हैं, उसका बहुत महत्व है, अच्छा नक्षत्रीय माना जाता है। ये जो है ये शुरू हो चुका है शनिवार कल यानी कि 7 नवंबर से ये शुरू होगा। तो एक ये भी त्यौहार है और इसी तरह से त्यौहार दूसरे हैं, होई माता का त्यौहार है जिसको अनहोनी, इससे ये शब्द जुड़ा हुआ है। ये भी बच्चों की रक्षा के लिए माना जाता है। जैसे करवा चौथ पहले मनाया गया पति के उसके लिए, पति के सुख शांति के लिए, उसके जीवन की वृद्धि के लिए, इसी तरह से आगे एक और त्यौहार आता है बच्चों का जो होई का त्यौहार आता है, उसको पंजाबी में, पंजाब में या हरियाणा में चक्रियाँ भी बोलते हैं, चक्रियाँ। वो छोटे छोटे उसमें भी ऐसे बर्तन होते हैं जिसमें मिठाइयाँ डालते हैं, बच्चों को देते हैं। तो होई का आजकल तो बने बनाए कैलेंडर मिलने लग गए हैं, आगे दीवार पे होई बना दी जाती है। एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण, जैसे मैंने बताया गरवड़े होते हैं मिट्टी के बनाए जाते, घरों में बनाए जाते थे और रंग क्या होते थे, अब तो बाजारों में रंगे हुए मिलते हैं। पहले क्या होता था, चावल, चावल के दाने जो होते थे उनको पीस लेते थे, सफ़ेद रंग बन जाता था, गेरुआ ले लेते थे तो वो जो है लाल रंग आ जाता था। इसी तरह से हरे रंग के लिए मेहंदी ले लेते थे तो मेहंदी का रंग आ जाता था। तो ये हमारे परंपराएं थी पुरानी जो अब लुप्त होती जा रही हैं। इसी तरह भैया दूज, अन्नकूट और गोवर्धन पर्वत, आप जानते हैं कि कृष्ण भगवान ने जो वर्षा से लोगों को, खेती को बचाया था, वो भी त्यौहार जो है इन दिनों में आते हैं दिवाली के आस पास। तो इन त्यौहारों का जैसे मैंने शुरू में बताया अपना एक खास महत्व है। काश के जो शुरू में राहुल जी ने कहा 50 और 90 साल की आयु के लोग, उनका एक प्रतिनिधि होने के नाते मैंने भी अपने 70 वसंत देखे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि काश वो दिन लौट के आए, काश हमारा समाज, हमारे बच्चे प्यार भाव से रहें, आस पड़ोस में एक प्रेम भाव हो और पर्यावरण की सुरक्षा हो। और जो ये आज मार्केटिंग हो रही है,
ये मार्केटिंग से हट के लोगों में भावनात्मक एकता हो और भाईचारा बढ़े। धन्यवाद। जैसा कि माननीय कौशल जी ने बताया कि जो हमारे छोटे त्यौहार हैं, जो भारत के छोटे त्यौहारों में गिनती होती है, जिन त्यौहारों की उनका प्रकृति के साथ क्या संबंध है, किस तरह से प्रकृति के साथ संबंधित जो त्यौहार हैं उनको मनाया जाता था और लोगों की मेल जोल में भी ये बहुत बड़ा रोल निभाया करते थे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।